हरियाणा में पूर्व विधायक और INLD के वरिष्ठ नेता नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जिस अंदाज में उनका मर्डर किया गया उससे शक की सुई बिश्नोई गैंग की तरफ घूम गई है, क्योंकि नफे सिंह हत्याकांड को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे 2 साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को दिया गया था। फिलहाल हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। मल्टीपल राउंड फायरिंग की गई थी, क्या हरियाणा में हुई नफे सिंह की हत्या का स्टाइल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलता जुलता है? क्या नफे सिंह की हत्या का पैटर्न सिद्धू मूसेवाला के मर्डर जैसा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा के बहादुरगढ़ में गोलियों के निशान वाली ये फॉर्च्यूनर असल में 2 साल पहले 2 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या की यादें ताजा कर रही है। नफे सिंह की हत्या का स्टाइल बिल्कुल गैंगस्टर वाला है। हालांकि अभी तक किसी गैंग की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, मगर हत्या के तरीके और पूरी मॉडस ऑपरेंडी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो न हो इस वारदात में किसी गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस इस हत्याकांड के लिए सुपारी किलिंग की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही, इसलिए हरियाणा पुलिस आपसी रंजिश और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस केस में काम कर रही है। दोनों राज्यों की पुलिस अपनी जेलों में बंद गैंगस्टर के जरिए शूटर्स की पहचान करने में जुटी है, जिसमें काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग शामिल है। पुलिस के पास अभी कार की CCTV और 2 शूटर्स के चेहरे हैं, जिनको पकड़ने के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। काफी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है और उस पे हम वर्क भी कर रहे हैं। जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही है, और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। नफे सिंह के परिवार वालों की मांग पर हरियाणा सरकार ने CBI जांच की सिफारिश भी कर दी है। मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पकड़ रहे हैं। अगर हाउस की तसल्ली CBI इंक्वायरी से होती है तो मैं CBI इंक्वायरी करूंगा। हो गया जी, ठीक है। इस हत्याकांड में बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 12 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक नफे सिंह के ड्राइवर और उनके भांजे को ये अंदाजा हो गया था कि सफेद गाड़ी उनका पीछा कर रही है। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन रेलवे फाटक बंद था इसलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी पीछे से आई एक सफेद I-20 कार से 5 लड़के उतरते हैं और बिल्कुल नजदीक आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। नफे सिंह सामने वाली सीट पर ही बैठे थे, जबकि उनके सुरक्षाकर्मी पीछे बैठे थे। हमलावरों ने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायर किए, जिसमें नफे सिंह और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। नफे सिंह की हत्या को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पैटर्न से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सारा तौर तरीका मिलता जुलता है। हत्या के लिए शाम का वक्त, हत्या से पहले कार का पीछा, कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पिन पॉइंट करके टारगेट पर निशाना। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नफे सिंह की हत्या में किसी गैंग का हाथ हो सकता है। हालांकि नफे सिंह के घर वालों को लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे। पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के जरिए संदिग्ध गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है और इसी वजह से हमलावर भी पकड़ से दूर हैं। बहादुरगढ़ से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात हिंदुत्व पर हंगामे की। असम के मुख्यमंत्री ममता बिस्वा सरमा अपने राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने का प्रण कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को खत्म कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उन पर हिंदुत्व का एजेंडा थोपने का आरोप लगा रहे हैं। सदन के भीतर विपक्षी दलों ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। हेमंता इतना गुस्से में आ गए कि पूरे विपक्ष को साफ समझा दिया कि वो जब तक जिंदा हैं राज्य में बाल विवाह नहीं होने देंगे। ये
अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। जब तक जिंदा है तब तक असम में साइल मेरे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा का यह आक्रोश है। असम के विधानसभा में उनका गुस्सा आज फूट पड़ा है। बाल विवाह खत्म करने की दिशा में अहम कदम उठा चुके हेमंता जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष हंगामा कर बाहर चला गया। ये सब देख मुख्यमंत्री हेमंता गुस्से से आग बबूला हो गए और मरते दम तक किसी भी हाल में बाल विवाह न होने देने की कसम खा ली। आप लोग सुन लीजिए, असम में साइल मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ। 2026 साल का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। जब तक हिमंता बिस्वा सरमा जिंदा है तब तक असम में साइल मैरिज नहीं होगा। ये बात विपक्षी नेताओं को हजम नहीं हो रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग इस्लाम में सुधार नहीं बल्कि हिंदुत्व का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। अब यूं आए हैं BJP के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है इसकी, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। हेमंता ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के लोग सुन लें, जब तक मैं हेमंता बिस्वा सरमा जिंदा हूं तब तक असम में छोटी बच्चों का विवाह नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें पूरी तरह से बंद किया बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिंदुत्व की बात हर मंच से करते आए हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाने वालों पर भी प्रहार करते रहे हैं। अगर भारत में मैं हिंदू के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा? बाबर औरंगजेब के लिए? गर्व से हिंदू के लिए बोलो ना, क्या माना है भारत में हिंदू का हित का मतलब क्या है? हिंदू बोलता है सर्वधर्म समभाव, हिंदू बोलता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। अगर ऐसा संस्कृति का जयगान नहीं करेगा किसका जयगान करेगा? आपको बता दें कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून के तहत 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार पंजीकरण काम कर रहे थे, लेकिन इस कानून को अब खत्म कर दिया गया है क्योंकि इस कानून में नियमों की अनदेखी हो रही थी, बाल विवाह की भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। सरकार का तर्क ये भी है कि ये कानून अंग्रेजों के शासनकाल का है। इस कानून के खत्म होने के साथ ही कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से शादी और तलाक का पंजीकरण नहीं करवा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष ने सत्य की जीत बताया है। वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। हिंदुओं की सनातनियों की बहुत बड़ी जीत है। दोनों अपीलें थी मस्जिद पक्षी, वो दोनों खारिज हो गए। ज्ञानवापी में पूजा भी होती रहेगी और करोड़ों भक्तों की आस्था भी कायम रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्षकारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील और दलील दोनों को खारिज करते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया, यानी वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रही। हाई कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष ने सनातन और सत्य की जीत बताया है, साथ ही ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही पूरे विवाद का समाधान भी हो जाएगा। अपार खुशी हो रही है, डाउट तो बिल्कुल था ही नहीं मन में कि ये अब बंद होगा, क्योंकि पूजा पाठ तो शुरू हो ही चुका था, 93 तक तो हुआ ही था और फिर बीच में बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा ही।
वो पूजा एकाएक बंद किया गया था, अब शुरू हो गया है, तो अपार खुशी हो रही है। और ये जीत मैं कहूंगी सारे सनातनियों की जीत है, सभी हिंदुओं की जीत है, क्योंकि ये जीत होना बहुत, सत्य तो जीतता ही है। हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हम लोग बहुत खुश है, पूरे सनातनी खुश है, सबको धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और ये तो होना ही था, 93 तक जब पूजा होती आ रही थी, अचानक बंद हुआ और फिर शुरू हो गया है, तो ये तो होना ही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 17 जनवरी का आदेश रोकने की मांग थी, जिसमें वाराणसी कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त करने का फैसला किया था। वाराणसी कोर्ट का दूसरा आदेश 31 जनवरी का था, जिसमें व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इन दोनों आदेशों पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है, उस आदेश की कॉपी है, जिस आदेश के तहत 1993 में जो है तत्कालिक सरकार ने रोका था, शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था के नाम पे जो रोका था, अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है तो दीजिए, जिसको ये प्रस्तुत नहीं कर पाया हाईकोर्ट में।